फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत से 1 अगस्त को राष्ट्रीय पेपर दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। फेडरेशन ने अपने 37 घटक सदस्य संगठनों के माध्यम से देश भर के 8,000 से अधिक सदस्यों के सहयोग से देश के विभिन्न शहरों में पेपर दिवस मनाना शुरू किया है। कागज एक अत्यधिक पर्यावरण अनुकूल हानि रहित पुनर्चक्र योग्य बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है। योजनाबद्ध तरीके से गुदा तैयार किया जाता है। बांस की खेती एक व्यावसायिक फसल है। खोई और चावल और गेहूं की भूसी जैसे कृषि अपशिष्ट किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। बुनियादी कच्चा माल किसानों को आय उत्पन्न करने में मदद कर रहा है। मैं असीम बोर्डिया, नेशनल प्रेसिडेंट द फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल बॉडी है, पेपर व्यापारियों की एक राष्ट्रीय संस्था है जिसके अधीन 37 पेपर एसोसिएशंस ऑल ओवर द कंट्री होती हैं। हम पूरे देश में 1 अगस्त नेशनल पेपर डे ऐसा मनाते हैं। इस साल हम लोगों ने पिछले 7 दिन से इस कार्यक्रम को चलाया है और कई जगह आने वाले 7 दिन और यह कार्यक्रम चलेगा। हमारा उद्देश्य पेपर से रिलेटेड मिथ्स, जितनी भ्रांतियाँ हैं, पेपर की सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडलीनेस, बायोडिग्रेडेबल स्वभाव को प्रसार और प्रचारित करने का हमारा उद्देश्य 1 अगस्त को है। उस उद्देश्य से हम लोग नेशनल पेपर डे मना रहे हैं। पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन नागपुर के सदस्यों द्वारा कागज के बारे में जागरूकता पैदा करने और गलत फहमियों को दूर करने के लिए विदर्भ के विभिन्न स्थानों और स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कागज दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस संदेश को समाज में विभिन्न तरीकों से उजागर किया जाता है। पेपर दिवस के अवसर पर पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन नागपुर ने अपने सदस्यों के माध्यम से एक रैली का आयोजन कर विक्रेताओं को पेपर बैग देकर प्लास्टिक बैग के स्थान पर उनका उपयोग करने को कहा। इस दौरान फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इंग्लिश न्यूज के लिए अजित कुमार के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।